नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सांसदों ने निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद के केंद्रीय कक्ष में विदाई दी। राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के कल्याण और राष्ट्रीय हित में काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। समारोह के दौरान संसद भवन के आसपास के सरकारी कार्यालय आंशिक रूप से बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के मामले में 2 दिन के प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया। निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट से शिवसेना में बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रामाणिक समाचार प्रदान करने के लिए आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की सराहना की। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा कल अमरीका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में भाग लेंगे। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजनीतिक दलों से दलगत भावना से ऊपर उठने और देश के लोगों के विकास और कल्याण के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया है। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित विदाई समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि जब हम पूरे देश को एक परिवार के रूप में देखते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि मतभेद कभी न कभी पैदा होते ही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मतभेदों को बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माध्यम से सुलझाया जा सकता है। श्री कोविंद ने कहा कि नागरिकों और राजनीतिक दलों के लिए कई संवैधानिक रास्ते खुले हैं जिनमें विरोध भी शामिल है। हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ये विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए। राष्ट्रपति ने सांसदों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके लिए राष्ट्रपति की जिम्मेदारी का निर्वहन उनके समर्थन के बिना संभव नहीं था। आप सबसे जब मैं विदा ले रहा हूं तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियां उमड़ रही हैं। इसी परिसर में, जिसे सामान्यतया सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, बरसों तक एक सांसद के रूप में मैंने न जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए हैं। 5 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोकतंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा। श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूरी क्षमता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भारत के सभी पूर्व राष्ट्रपति उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर श्री बिड़ला ने कहा कि ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की ओर से हम सब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रति आभार और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद उपस्थित थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। ये समारोह संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा।
देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली श्रीमती मुर्मू पहली जनजातीय नेता हैं। एनडीए उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कुछ कार्यालयों को आंशिक रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। समारोह के समय नए संसद भवन का निर्माण कार्य भी रोक दिया जाएगा। आदेश के अनुसार सुरक्षा जांच के लिए सोमवार सुबह 6 बजे तक कुल 30 कार्यालयों और भवनों को खाली कराना आवश्यक है। समारोह समाप्त होने तक ये जारी रहेगा। जिन भवनों को जल्द ही खाली कराया जाएगा उनमें साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, संचार भवन, पीटीआई बिल्डिंग, आकाशवाणी भवन, सेना भवन, वायु भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन शामिल हैं। ये भवन 25 जुलाई को सुबह 6 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक बंद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने द्रौपदी मुर्मू के देश के राष्ट्रपति चुने जाने को लोकतंत्र के 75 वर्षों में एक ऐतिहासिक घटना बताया है। श्री शाह ने कहा कि एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखने और बहुत पिछड़े क्षेत्र से आने वाले का देश के शीर्ष पद पर आसीन होना लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। श्री शाह आज गुजरात में गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में गुजरात पुलिस के EFIR पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में श्री शाह ने सभी से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में राष्ट्रध्वज फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने गुजरात पुलिस की 4 आधुनिक सेवाओं का उद्घाटन किया, जिनमें त्रिनेत्र, कमांड और कंट्रोल रूम, EFIR पोर्टल शामिल हैं। बाद में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद गृहमंत्री ने गांधीनगर में अपने पैतृक स्थान मनसा में विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। श्री शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे कल अहमदाबाद में 210 करोड़ की विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और टीएमसी के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। चटर्जी को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद उसे कोलकाता के बैंकशॉल न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय की 2 दिन के हिरासत में भेज दिया है। चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी को उनके घर से हिरासत में ले लिया गया है। अर्पिता के आवास से 21 करोड़ 2 लाख रुपए के नकदी और 79 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। अर्पिता के फ्लैट से स्कूल सेवा आयोग के बंद लिफाफे में नकदी भी मिली है। पार्थ चटर्जी के निजी सहायक सुकांत आचार्य को भी हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये नीति लाई गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामलों की कड़ी आलोचना की है।
नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में कथित भूमिका से पता चलता है कि ये एक बड़ा घोटाला है। श्री ठाकुर ने श्री केजरीवाल से सवाल किया कि वे भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे अपने मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से त्यागपत्र देने को क्यों नहीं कहते। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सांसदों ने निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद के केंद्रीय कक्ष में विदाई दी। राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के कल्याण और राष्ट्रीय हित में काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। समारोह के दौरान संसद भवन के आसपास के सरकारी कार्यालय आंशिक रूप से बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले मामले में 2 दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया। निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट से शिवसेना में बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रामाणिक समाचार प्रदान करने के लिए आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की सराहना की। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा कल अमरीका में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में भाग लेंगे और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया को सावधान करते हुए कहा है कि अगर मीडिया ट्रायल पर गलत अवधारणा पैदा हुई है तो उन्हें अपनी कार्यप्रणाली पर आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की मीडिया के संबंध में की गई टिप्पणी पर श्री ठाकुर ने मीडिया से आत्मचिंतन करने को कहा। आज एक समारोह में उन्होंने प्रधान न्यायाधीश के मीडिया मुद्दों पर अपनी अदालतें चलाने के संबंध में दिए गए बयान का उल्लेख किया और इसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से मीडिया काम कर रहा है उस पर ये एक प्रश्न चिन्ह है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में आयोजित समारोह में श्री ठाकुर ने कहा कि मीडिया को इस विषय पर आत्मचिंतन करना होगा कि कहीं वे समाचारों के प्रसारण में लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना जी में एक जो बयान थी कि कुछ मीडिया हाउस कैमरे कोर्ट्स की तरह रन करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और कहीं ना कहीं अंदर झांकने के लिए एक बार नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पर लोगों को मजबूर भी करता है कि क्या समाचार चलाते हुए आप कहीं लक्ष्मण रेखा को लान तो नहीं चाहते, क्या मीडिया ट्रायल तो नहीं होता है। इस तरह का प्रश्न उन्होंने खड़ा किया है मीडिया के सामने। तो सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते मैं मुझे भी मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, अगर ये धारणा कहीं बन रही तो हमें भी इस और कहीं ना कहीं देखना चाहिए। श्री ठाकुर ने आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की प्रसारण गुणवत्ता पर बल देते हुए कहा कि ये संस्थान लोगों को विश्वसनीय समाचार दे रहे हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो केंद्रों की समूचे देश में संख्या बढ़ी है और वर्तमान में 360 के स्थान पर अगले वर्ष अगस्त तक ये संख्या बढ़कर 750 हो जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को आधुनिकतम तकनीकों को अपनाना चाहिए। नागरिकों के लिए समाचार हो, सूचना हो, मनोरंजन, इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन ने लगातार एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, लेकिन बदलती टेक्नोलॉजी के साथ नई नई चुनौतियां भी खड़ी होती जा रही। क्या हम उन चुनौतियों को स्वीकार करके टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए नए अपने प्रयास कर सकते हैं और नए भारत का नया दूरदर्शन, या आपने कहा है अब आपको इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी को नई पीढ़ी के लिए अपने समृद्ध अभिलेखागार के गुणवत्तापूर्ण संग्रह को सहेजना आवश्यक है।
आकाशवाणी के गौरवपूर्ण इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा से रेडियो की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने आकाशवाणी से स्वतंत्रता सेनानियों और अज्ञात शहीदों के योगदान को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के प्रसारण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने युवाओं को रेडियो जॉकी के रूप में आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अवसर प्रदान करने की भी प्रशंसा की। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के महत्व को पहचानते हुए मन की बात के लिए रेडियो को सर्वोत्तम मंच चुना और देश के लोगों से सीधे संपर्क करने का माध्यम बनाया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये विकसित हो रहे भारत में भी लगातार अहम भूमिका निभा रहा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक स्टेशन से प्रारंभ हुआ और आज 501 प्रसारण केंद्रों का देश भर में जाल फैल गया है। इस 95 वर्षों के अंतराल में आकाशवाणी जन जन की वाणी बन चुका है। आकाशवाणी और दूरदर्शन आज महज सूचनाओं का माध्यम नहीं रह गया है बल्कि जन जागरण और सामाजिक परिवर्तन के सूत्र बन चुके हैं। मुझे यह बात आज के दिन आप सभी से एक बार फिर साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने समाचारों की विश्वसनीयता की कसौटी में प्राइवेट माध्यमों की तुलना में सबसे आगे रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि 480 केंद्र और 600 ट्रांसमीटर का व्यापक नेटवर्क आकाशवाणी के प्रसारण को सुदूर क्षेत्र में लोगों तक पहुंचा रहा है। विभिन्नता में एकता का प्रतीक आकाशवाणी है। 90 से ज्यादा भाषाओं में जन जन तक अपनी ही बोली में अपना कार्यक्रम पहुंचाने वाली एकमात्र प्रसारण संस्था आकाशवाणी है। तेजी से बदलते हुए मीडिया माहौल के अनुसार आकाशवाणी भी अपने आप बदल रही है। आज आकाशवाणी रेडियो प्लस है। इसका मतलब सिर्फ रेडियो ट्रांसमिशन से ही नहीं बल्कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम आज उपलब्ध है। दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के अपने चुनिंदा स्टेशन का कार्यक्रम लाइव श्रोताएं सुन सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने दूरदर्शन के नए धारावाहिकों कॉरपोरेट सरपंच बेटी देश की जय भारती सुरों का एकलव्य यह दिल मांगे मोर और स्टार्टअप चैंपियन 2 के प्रोमो का शुभारंभ भी किया। निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों के नेताओं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से दस्तावेजी सबूत के साथ ये साबित करने को कहा है कि बहुमत किसके पक्ष में है। आयोग ने ठाकरे गुट और शिंदे गुट द्वारा निर्वाचन आयोग को इस संबंध में अलग अलग लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आयोग ने दोनों गुटों को 8 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के खिलाफ कांग्रेस के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में श्रीमती ईरानी ने कहा कि उनकी 18 वर्षीय बेटी कॉलेज में छात्रा है और कोई बार नहीं चलाती है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी के विरुद्ध उनके तीखे रुख के कारण उनकी बेटी को निशाना बनाया गया है। श्रीमती ईरानी ने कांग्रेस पार्टी को उनके विरुद्ध किए गए किसी भी गलत काम का सबूत देने की भी चुनौती दी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध हक है आणि तो मी मिळवणार। 23 जुलाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। महात्मा गांधी उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते थे। स्व
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। १८५६ में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। तिलक ने होम रूल आंदोलन, स्वराज और स्वदेशी पर बल दिया। वे उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने भाषाई राज्यों के गठन की कल्पना की। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान नेता को जिनका जन्म मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर 1921 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए जब वो स्कूल के छात्र थे। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। चंद्रशेखर ने आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। आपका क्या नाम है तुम्हारा? स्वतंत्र। कहाँ रहते हैं तुम? जेल में। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से और पिंडरा कर्रेव की सजा दीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद शब्द लगाया था जिसका अर्थ है स्वतंत्र। किंवदंती है कि जब उन्होंने ये नाम अपनाया तो कसम खाई थी कि पुलिस उन्हें कभी भी जीवित नहीं पकड़ सकेगी। वे राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा गठित क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए। 1925 में काकोरी रेल डकैती और 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या के कारण वे सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। 23 फरवरी 1931 को पुलिस ने आजाद को घेर लिया। उनकी दाहिनी जांघ पर गोली लगी जिससे उनका बचना मुश्किल हो गया। उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी और वे पुलिस से घिरे हुए थे, इसलिए उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। उन्होंने कभी जीवित नहीं पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए खुद को गोली मार ली। माँ भारती के वीर सपूत को शत शत। करम सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 1888 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। उन्होंने पंजाब में अकालियों के आंदोलन में हिस्सा लिया। करम सिंह को 1923, 1927 और फिर 1941 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्हें 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन करम सिंह कपूरथला जेल से फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और 23 जुलाई 1943 को मुठभेड़ में वे वीर गति को प्राप्त हुए। आकाशवाणी समाचार की ओर से वीर करम सिंह को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। मध्य प्रदेश में भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा की नींव में आजाद के जन्मस्थली भावरा से लाई गई मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। प्रतिमा स्थल को युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर भोपाल में आयोजित
प्रथम राज्य स्तरीय युवा महापंचायत के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कार्यक्रम को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के युवाओं के सुझावों को शामिल करते हुए नई युवा नीति तैयार की जाएगी, जिसे स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। इस वर्ष देश के आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्री मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय तिरंगा फहराने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों की भावनाएं और मजबूत होंगी। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। मेरा नाम सालिक राम दुबे है। ये आकाशवाणी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इसे DD स्पोर्ट्स चैनल पर देखा जा सकता है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। कल खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 3 रन से हरा दिया था। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और रोहित यादव विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। अल्डोस पॉल भी ट्रिपल जंप के फाइनल में कल पदक की दावेदारी पेश करेंगे। भाला फेंक प्रतियोगिता के मुकाबले सवेरे 7:05 पर खेले जाएंगे। ट्रिपल जंप का फाइनल सवेरे 6:30 पर खेला जाएगा। इससे पहले आज महिलाओं में अन्नु रानी पदक हासिल करने से चूक गईं। और अब कल के मौसम पूर्वानुमान पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश का अनुमान है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा के आसार हैं। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सांसदों ने निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद के केंद्रीय कक्ष में विदाई दी। राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के कल्याण और राष्ट्रीय हित में काम करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। समारोह के दौरान संसद भवन के आसपास के सरकारी कार्यालय आंशिक रूप से बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के मामले में 2 दिन के प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया। निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट से शिवसेना में बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।